डू एजुकेट फ्रेंड्स देन डू द रेस्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लासेस जो थी एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड थी। एसएफडी बीएमडी में सबसे पहले हमने क्या देखा है कि हमें देखना होता है कि बीम क्या होती है और टाइप्स ऑफ बीम के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था, सपोर्ट्स देखे थे, किस किस टाइप के सपोर्ट्स होते हैं और उन पर रिएक्शन किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स जो है पिछली क्लास में हमने कवर कर लिया है। आज डिस्कस करेंगे लोड्स के बारे में कि जैसे कोई बीम है, अगर बीम बन रही है, आप एक चीज़ सोचो कि क्या है। हमने देखा कि अगर कोई बीम है और बीम हमने देखने के लिए तो बनाई नहीं है, ऑब्वियस सी बात है उस पर कोई ना कोई लोड लग रहा होगा, तो लोड कितने टाइप के लगते हैं, लोड कितने टाइप के हो सकते हैं या कितने टाइप के होते हैं या किस तरीके से लोड लगता है किसी भी बीम पे, वो चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ लोडिंग से। टाइप्स ऑफ लोडिंग, ठीक, क्या होता है टाइप्स ऑफ लोडिंग, मतलब किस कितने टाइप के लोड होते हैं और किस तरीके से वो एक बीम पे लग रहे होते हैं। सबसे पहला जो लोड होता है, सबसे पहला लोड, उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड, या फिर इसको क्या कहा जाता है, पॉइंट लोड भी कहा जाता है। पॉइंट लोड भी कहा जाता है, कंसंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड। होता क्या है, जैसे अज्यूम हमने किया यहाँ पे एक बीम है, बीम कौन सी है, इसका नाम है सिंपली सपोर्टेड बीम। पिछली क्लास में मैंने बताया था कितने टाइप्स के बीम होते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब सिंपल सिर्फ सपोर्ट दिया गया है। अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है और कह रहा है कि वहाँ पे एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है या फिर पॉइंट लोड लग रहा है। कंसंट्रेटेड मतलब किसी एक जगह उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। इस तरीके से मान लो ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने एक लोड लगा दिया, तो ये जो लोड होगा जो सिर्फ एक पॉइंट पे लगता है उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड कहते हैं। ठीक, अगर बीम पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर कोई लोड लग रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली होता क्या है, पॉइंट लोड एग्जैक्टली पॉइंट नहीं होता। अगर जैसे मैं हूँ, ठीक, कोई ब्रिज है और ब्रिज पे मैं खड़ी हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे दो पैर हैं, ठीक है, दो पैर हैं, तो जब दो पैर हैं तो दोनों पैर का वेट होगा, दोनों पैर का वेट, मेरी बॉडी का वेट कहाँ एक्ट करेगा, मेरे दोनों पैरों पे लगेगा। ठीक है, और मेरे पैरों से वो कहाँ जाएगा, ब्रिज के ऊपर जाएगा। तो ऐसा तो ये पॉइंट तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट नहीं है, दोनों पैर हैं, उनका कोई ना कोई एरिया होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया पे लोड लग रहा होगा, लेकिन हम इसको पॉइंट अज्यूम करके चलते हैं। क्यों अज्यूम करते हैं, क्योंकि जो पुल होता है या ब्रिज होता है बहुत लंबा होता है। ठीक है, कोई ब्रिज या पुल जिसके, या कोई बीम है, बीम क्या होती है, काफ़ी लंबी होती है, तो वहाँ पे ऐसे लोड को हम क्या करते हैं, पॉइंट अज्यूम करके चलते हैं। कोई भी लोड जो होता है वो एक्चुअली पॉइंट लोड नहीं होता, लेकिन हम मान लेते हैं कि हाँ ये पॉइंट लोड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि कंसंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड क्या होता है, इस तरीके से होता है, लोड पॉइंट पे एक्ट करता है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड टाइप का जो लोड होता है वो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नाम से समझ में आ रहा है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब अज्यूम करते हैं ये कोई क्या है, एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। बीम कोई भी हो सकती है, सिंपली सपोर्टेड भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, ठीक है, रोलर सपोर्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली सपोर्ट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, कहीं ये मत सोचना कि हर जगह सिंपली सपोर्टेड क्यों आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या हुआ, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से शो किया जाता है, जैसे कोई लोड किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पे लग रहा हो, लेकिन वो जो लेंथ है उस लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब जो लोड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर जगह लोड सेम होगा। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि ये एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लोड जो है जितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है
वो लोड जो है वो कांस्टेंट है, लोड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो लोड है ये हमने माना है पी किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो वो किसी एक लेंथ पे लग रहा होगा। तो लेंथ पे लगता है तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो वैल्यू होती है पी किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर लेंथ पे लग रहा है। जब पर्टिकुलर लेंथ पे लगेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर मीटर आ जाता है। ठीक, और लोड निकालेंगे कैसे, ये तो लोड पर मीटर है, लोड पर मीटर है। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे कि अगर इस या ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो लोड कितना एक्ट कर रहा है, तो लोड की वैल्यू जब निकालनी होगी वहाँ पे तो उस केस में लोड हो जाएगा कितना, जितना लोड एक्ट कर रहा है इनटू जितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है। मान लेते हैं ये क्या है, ये एक स्मॉल एल लेंथ है, पूरी बीम जो है उसकी लेंथ जो है वो क्या है, कैपिटल एल है, और जितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसकी लेंथ क्या है, स्मॉल एल है। तो जो टोटल लोड एक्ट करेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम अगर टोटल लोड में कन्वर्ट करें तो जो टोटल लोड होगा वो कितना होगा, जितना लोड एक्ट कर रहा है इनटू जितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है। तो लोड कितना एक्ट कर रहा है, पी, और कितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है, वो एल, यानी कि पी एल। तो एक चीज़ देखो, पी की यूनिट इज किलो न्यूटन पर मीटर और लेंथ की यूनिट इज मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, किलो न्यूटन, यानी कि पी एल किलो न्यूटन, ये लोड की वैल्यू निकल जाएगी। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किस तरीके का होता है और कैसे इसको शो किया जाता है। ठीक, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इसको, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और लोड कैसे निकालेंगे, पी इंटू एल से। पी क्या है, जितना लोड उस पर एक्ट कर रहा है, और एल क्या है, जितनी लंबाई पे, जितनी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्ट कर रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, लोड की वैल्यू मिल जाएगी। एक थर्ड पॉइंट आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्या आता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। थर्ड है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब वेरिंग मतलब क्या होता है, जो लोड वेरी करता है। वेरी करना मतलब आपको लोड में, जो लोड एक्ट करेगा उसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे कि फिर से यहां पे सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल हमने लिया, ये क्या है, एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है। अब यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ और एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे, लोड वेरी कर रहा होता है, यानी कि एक पॉइंट पे क्या होगा, इसका लोड क्या होगा, ज़ीरो होगा, और दूसरी साइड क्या होगा, वो कोई ना कोई लोड की वैल्यू होगी। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लोड दिया हुआ है इतना, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जब जॉइंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ एक ऐसा ट्रायंगल मिल जाएगा, और यही होता है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। ठीक, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड का मतलब लोड वेरी कर रहा है, यहाँ पे लोड जीरो है, फिर धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है, और यहाँ पे आके इस तरीके से यहाँ पे लोड मैक्सिमम हो रहा है। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, अब ज़रूरी तो है नहीं कि यहीं पे लोड जीरो होगा और यहीं इसी पॉइंट पे मैक्सिमम है, इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे लोड जीरो है और यहाँ पे कुछ लोड इस तरीके से है। अब इस पॉइंट को अगर हम जोड़ें, इस पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा कुछ इस ट्रायंगल का अपोजिट आप कह सकते हो, मतलब इसको अगर आप घुमा दो तो ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, इस तरीके से भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है तो यहाँ पे टोटल लोड कितना एक्ट करेगा। तो टोटल लोड जो होता है, सबसे पहले तो ये जो लोड है ये भी पी मान लो, डब्ल्यू मान लो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लोड पी मान लो या फिर यहाँ पे डब्ल्यू भी कर सकते हो, तो डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लिया पी किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। ये हमने मान लिया, ये क्या है, कोई एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। लेंथ किसके केस में आती है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में आती है, एक यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड के केस में आती है। ठीक, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लेंथ पे ये क्या कर रहा है, ये लोड एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड एक्ट कर रहा है, ये भी मान लेते हैं क्या है, एल है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, जब टोटल लोड निकालेंगे, टोटल लोड जब निकालेंगे तो ये यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड जो है वो क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल को शो कर रहा है। तो जो टोटल लोड होगा वो उस ट्रायंगल का एरिया ही तो होगा, तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही तो होगा, तो हाफ
व्हाट इज बेस? बेस मतलब जहाँ पे जितनी लेंथ पे ये एक्ट कर रहा है, मान लेते हैं स्मॉल एल पे एक्ट कर रहा है, और इसकी हाइट, हाइट मतलब ये जो मैक्सिमम लोड है यानी कि पी किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ पी एल, ये क्या हो गया टोटल लोड। पी की यूनिट क्या है? पी की यूनिट इज किलो न्यूटन पर मीटर और लेंथ इज अगेन इन मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल कर दोगे और बचेगा क्या यहाँ पे किलो न्यूटन। ठीक, ये टोटल लोड की वैल्यू आ गए, तो हाफ पी एल ये क्या हो जाएगा किलो न्यूटन में आ जाएगा। अब ये नहीं सोचना है कि ये किलो न्यूटन है, मीटर है, तो न्यूटन और एमएम में यूनिट नहीं हो सकती, यूनिट कुछ भी हो सकती है, ये किलो में किलो न्यूटन भी हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, एमएम हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, ये तो आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो डिसाइड करेगा कि उसमें यूनिट क्या उन्होंने ली है। तो ये तीन टाइप के लोड हैं, एक दो तीन, तीनों में टोटल लोड कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे इस स्टेप के बाद, अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, सपोर्ट देख लिया, ठीक है, कितने टाइप्स के बीम होते हैं वो देख लिया, लोड कितने टाइप के होते हैं या अगर कितने टाइप के सपोर्ट है तो उस टाइप उसमें किस टाइप के रिएक्शन लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब टाइम आ गया है कि हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन निकालना पता होना चाहिए, क्योंकि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये सारी चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शन निकालना सीखेंगे। रिएक्शन निकालना सीख गए मतलब SFD BMD ड्रॉ करना हमें पता चल गया। ठीक, SFD BMD ड्रॉ करने के लिए रिएक्शन, ये सारा खेल हम इसलिए खेल रहे थे क्योंकि हमें पता करना था कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं। रिएक्शन अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से निकलते हैं, अलग तरीके से निकाले जाते हैं एक्चुअली, और देखते हैं इसमें। मान लेते हैं एक, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे धीरे धीरे UDL और UVL का भी केस लेंगे। UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और UVL मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं, ये एक क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड मतलब इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे एक लोड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक लोड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक लोड एक्ट कर रहा है। इसकी, इस लोड की वैल्यू मान लेते हैं, इस लोड की वैल्यू है मान लेते हैं यहाँ पे 20, 40 और 60 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, ये क्या है 20 किलो न्यूटन। लेंथ मान लेते हैं कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 2 मीटर में दी है, 2 मीटर में, 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगेन 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। अलग अलग पॉइंट्स दे दिया, जैसे कि ये मान लो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी डी ई, मतलब ए सी इज इक्वल टू 2 मीटर, सी डी 2 मीटर, डी ई 2 मीटर एंड ई बी इज 1 मीटर। ये देखने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा कि 1 मीटर है, लेकिन है ये 1 मीटर ही, ये ज़्यादा लंबा लग रहा है, ठीक है, कोई नहीं, इसको सेट कर लेते हैं एक बार। ये क्या है, यहाँ पे ये इस तरीके से है और ये पॉइंट है बी। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछता है इसमें आप रिएक्शन निकालो, लोड की वैल्यू कुछ भी दे देंगे, डिस्टेंस कुछ भी दे देंगे, तो होता क्या है, रिएक्शन जब हम निकालते हैं तो उसमें हम दो तीन चीज़ों का ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो रूल है रिएक्शन निकालने का, कि आप क्या करोगे, जो समेशन होता है एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का वो ज़ीरो करोगे, ये पहले इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन, जो समेशन है फोर्स का इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन क्या है, मोमेंट की इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन मतलब मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मोमेंट लेंगे उसका समेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम रिएक्शन को निकालते हैं। रिएक्शन निकालने का सीधा सा प्रिंसिपल यही है कि ये तीन इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, इन तीनों इक्वेशन, कभी कभी क्या होगा कि सिर्फ 2 इक्वेशन अप्लाई होंगी, कई बार होगा कि 1 इक्वेशन अप्लाई होगी, कई बार ऐसा भी होगा कि 3 इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक, तो इसमें क्या करना है, इक्वेशन अप्लाई करेंगे और फिर फाइनली हम रिएक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब ए और बी पॉइंट है, इस पे ए और बी पॉइंट पे फाइंड आर ए एंड आर बी। ठीक, ये क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आर ए है और ये क्या है आर बी है।
तो अब ये तीन इक्वेशन है, अब ये ज़रा सोचने वाली बात है कि इसमें कौन कौन सी इक्वेशन लग सकती है। एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है, एक्स डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन क्या होती है, एक्स की डायरेक्शन होती है, एक्स की डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। वाई डायरेक्शन, अब एक बात बताओ यहाँ पे है क्या कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रही, सारी फोर्सेस किधर लग रही हैं, ये वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मतलब सारी जो फोर्सेस हैं वो क्या लग रही हैं, वर्टिकल लग रही हैं, तो वाई डायरेक्शन में, तो सिग्मा एक्स तो इस केस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा एक्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सिग्मा ऑफ एफ एक्स का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर यहाँ पे ये जो हमने सपोर्ट लिया है, ये जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लिया है, अगर हम यहाँ पे एक साइड फिक्स कर देते, एक साइड फिक्स कर देते, तो यहाँ पे हमें पता है रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, एक यहाँ पे ऐसे वर्टिकल रिएक्शन, एक ये हॉरिजॉन्टल, और एक इसके साथ मोमेंट भी आता है, तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन का यूज़ होता। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल भी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है, और मोमेंट भी लग रहा है, तो तीनों इक्वेशन का यूज़ होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और एक्स में जीरो है, और हम दूसरी इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, मोमेंट की इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, और दो चीज़ें अगर फाइंड करनी होंगी तो एटलीस्ट आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन को सेट, जब वो चीज़ सेटिस्फाई करेंगे तभी हम आगे वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करते हैं इसको आगे सॉल्व। क्या है यहाँ पे, सिग्मा ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन ज़ीरो है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन सी है, आप चाहो तो इसको अपवर्ड जो जा रहा है इसको पॉजिटिव ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो डाउनवर्ड आ रहा है उसको आप पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जो एक चीज़ आप पॉजिटिव लोगे उसको पॉजिटिव लेके ही चलना है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से नहीं डिफाइन करना उसको। ऊपर क्या जा रहा है, ऊपर हमने मान लिया कि जो भी फोर्सेस ऊपर लग रही हैं, जो ऊपर लग रही हैं वो क्या है, पॉजिटिव हैं, और जो भी नीचे की तरफ जा रही हैं फोर्सेस वो हमने मान ली कि वो नेगेटिव फोर्सेस हैं। तो अब करते हैं इसको, आर ए क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आर ए ऊपर की तरफ हमने क्या किया, पॉजिटिव मान लिया आर ए। फिर अब ए के बाद लोड कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, पॉइंट सी पे लग रहा है, और लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और कितना लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन, माइनस कितना लोड, 20 किलो न्यूटन लोड। फिर सी के बाद कहाँ पे लोड लग रहा है, डी पॉइंट पे लग रहा है, तो डी पे कितना लोड लग रहा है, 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो माइनस का 40। उसके बाद ई पॉइंट पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड मीन्स अगेन नेगेटिव, माइनस 60। फिर उसके बाद बी पॉइंट पे लोड लग रहा है, यानी कि रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे लोड नहीं है एक्चुअली, ये रिएक्शन है, और रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस का आर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन के आ गई, किससे आई है, ये सिग्मा ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आर ए प्लस आर बी, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 60, और माइनस 60 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 किलो न्यूटन। ये हमारी निकल के आ गई एक इक्वेशन नंबर वन। अब आर ए आर बी निकालना है, तो मैंने बताया था कि दो इक्वेशन होनी चाहिए तभी तो आर ए और आर बी निकालेंगे। अब एक्स का तो कोई कंपोनेंट है नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो हम कौन से इक्वेशन यूज़ करेंगे, मोमेंट लेंगे, और मोमेंट की जो इक्वेशन है किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो आप, मोमेंट आप ए पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, आप बी पॉइंट के भी अबाउट ले सकते हो, मोमेंट चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, बात वही है, बराबर ही है दोनों बात। तो ए पॉइंट से लेते हैं, एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये साइन क्यों यूज़ करते हैं, समेशन के लिए, कि मोमेंट का जो समेशन है ए पॉइंट के अबाउट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए पॉइंट के अबाउट सबसे पहला जो है, ए पॉइंट के अबाउट अगर ले रहे हैं तो ए पॉइंट के अबाउट तो कोई मोमेंट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ से काउंट करेंगे, ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मोमेंट मतलब क्या होता है, ए पॉइंट पे क्यों नहीं होगा, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ठीक है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे ए पॉइंट के अबाउट अगर आप क्या करोगे, अगर मान लो यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है, रिएक्शन क्या लग रहा है आर ए, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से क्या है, जीरो है। डिस्टेंस जब जीरो है तो आर ए इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम पहला पॉइंट छोड़ देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि पहला पॉइंट क्यों छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जीरो है। डिस्टेंस जीरो है तो यानी कि मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इंटू डिस्टेंस, और एफ इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू जीरो। अब सी पॉइंट के अबाउट लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये यहाँ पे है, हमने मान लिया कि ये इस तरीके से ए पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो ये इस तरीके से है, तो ये मान लिया हमने कि ऐसे घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको नेगेटिव मान रहे हैं। क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। पुरानी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं और फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो पुरानी चीज़ें फिर भूल जाओ, यहाँ से शुरुआत करो, क्योंकि अभी तो बिल्कुल स्टार्ट किया है हमने, अभी सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल देख रहे हैं और पॉइंट लोड उस पर लगाया हुआ है। आगे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी देखेंगे, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड भी देखेंगे, बाकी बहुत टाइप के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे जिससे आपके डाउट ईजिली क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सिग्मा एम ए इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब सी पॉइंट पे मैंने बताया है, यहाँ पे सी पॉइंट पे इस तरीके से आ रहा है, यानी कि क्लॉक वाइज आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर 2। फिर अब क्या करो, डी पॉइंट पे जंप करो, डी पॉइंट पे फिर इस तरीके से आ रहा है क्लॉक वाइज, तो 40 प्लस का 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी से ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 + 2 = 4। ठीक है, ब्रैकेट में कर लो। फिर ई पॉइंट पे चलो, ई पॉइंट पे फिर से प्लस का साइन, क्योंकि क्लॉकवाइज बना रहा है ए पॉइंट से। ठीक है, ए पॉइंट से क्लॉकवाइज ही तो जा रहा है, ये क्या होता है क्लॉकवाइज ही तो होता है, तो ये इधर आया, तो 60 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6, 60 × 6। फिर आती है बारी आर बी की। अब आर बी क्या है, आर बी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो ये क्या होगी ए पॉइंट के अबाउट, इसको अगर आप घुमाओगे तो क्या आएगा, ए पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे साइन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज, हमने नेगेटिव माना है, तो माइनस ऑफ आर बी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, 2 + 2 + 2 + 1 = 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हो इस इक्वेशन से हम आर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे 40 प्लस 160 प्लस 360 माइनस 7 आर बी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 आर बी को चाहो तो आप दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ पे 160 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 360 इज इक्वल टू 7 आर बी। अब यहाँ पे कितना हो गया, 560 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू आर बी, तो आर बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू इज 80 किलो न्यूटन। ठीक, तो आर बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 80 किलो न्यूटन निकल के आ गई। अब आर बी की वैल्यू निकल आई तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में आर बी की वैल्यू रखेंगे और आर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं उसको, पुट आर बी इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 120। आर ए, वॉट इज आर बी, आर बी इज 80 इज इक्वल टू 120, इन मीन्स आर ए इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। ये आर ए की वैल्यू निकल के आ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को निकालते हैं। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन नीचे आ रहा है तो नेगेटिव ले रहे हैं। उसी तरीके से क्लॉकवाइज जा रहा है तो मोमेंट पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मोमेंट को हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ईजी, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने पहले लिया है क्योंकि स्टार्टिंग है अभी, क्योंकि कई लोगों को सिंपल चीज़ें भी नहीं आती, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आती, लेकिन कई बार डाउट्स हो जाते हैं, तो डाउट को क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि एसएफडी बीएमडी एक ऐसी चीज़ है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बीटेक में भी काफ़ी अच्छा खासा इसका है स्कोप।
तो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है वहाँ पे, तो इस चीज़ को आप एक बार देखना, रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इस चीज़ को और थोड़ा आगे देखेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और वेयरिंग लोड का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं अलग अलग केसेस में। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।